हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल इन्फिनिटी वॉर प्ले वाईटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है, तो अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आपको वीडियो शुरू करने से पहले मेन टिप्स बताने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देख लो फ्रेंड्स, छोटा सा गेम प्ले। तो आप पहले इसको देख लो फ्रेंड्स, एंजॉय करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने से पहले बता देता हूँ, कुछ कैरेक्टर स्किल और सेटिंग करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर में, तो यहाँ पे शार्प शूटर वाली स्किल्स आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आप दो ऑम यूज़ करते हो या कोई भी ऑम यूज़ करते हो स्कोप खोल के, तो आपको ये शार्प शूटर की स्किल लगाना ज़रूरी है। उससे आपको स्कोप खोलते ही आपको उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हो गई पहली टिप। सेकेंड टिप, अभी सेटिंग में जाना है आपको यहाँ पे, और कस्टम एचयूडी में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हो दो, और एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन है, उसके बीचों बीच अगर आप सेंटर में देख सकते हो, तो मैंने उस वहाँ पे अपने पेट वाला इमोट, इमोट का सिंबल होता है, उसको वहाँ पे मैं सेट कर दिया हूँ। तो अभी इसको कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देख सकते हो ये पे कुछ बड़ा करके दिखा है मैंने साइज़ आपको। तो आपको पेट वाला इमोट के सिंबल को यहाँ पे बीचों बीच ला के बिल्कुल सेट कर देना है फ्रेंड्स, और उसकी साइज कर देने एकदम बिल्कुल ज़ीरो, और उसकी ट्रांसपेरेंसी 100 रखनी है। तो यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो अभी यहाँ पे हम जाएंगे ट्रेनिंग सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में। तो हमने अभी जो आपको बताया था, अपने पेट वाले इमोट का सिंबल है तो उसको सेंटर में रखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको गेम में। तो इसका भी यूज़ क्या है तो आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो चले अभी हम जाएंगे अपने टारगेट वाले एरिया में। ये देख सकते हो, सपोज करो सामने एनिमी भागते जा रहा है, या फिर आप मूवमेंट करते एनिमी को मारना चाहते हो, तो आपको एनिमी के बॉडी पर लेके आना है और सीधा फायर करना है। कुछ इस तरीके से देखो, बॉडी पे लेके आया फायर, यानी कि आपको वो स्कोप ओपन करने की मारने की ज़रूरत नहीं है। जो सिम बीच में आपको सेंटर में जो पॉइंटर तरफ पॉइंटर दिखाई दे रहा है, आपने जो रखा था सिंबल, उसको सिंपल सिंपल बॉडी एनिमी के बॉडी पे लेके आके सीधा फायर कर देना है फ्रेंड्स। तो ये था इसका यूज़। तो आपको बता देता अभी जो लोग सिंगल आर्म यूज़ करते हैं उनके लिए, तो ये देख सकते हो सिंगल आर्म कैसे फास्ट बिना रिलोड के यूज़ करते। तो देखिए, आपको गन में हाथ में रखना है, बॉडी एनिमी के बॉडी पे लेके आके आपको फायर करना है और हैंड पे स्विच कर देना है फ्रेंड्स। तो जैसे एनिमी आएगा उसके बॉडी पे आके पॉइंटर लाके फायर, एंड अपना मिली वेपन वाला सेक्शन होता है यानी कि पैन वगैरह, तो उस पर तुरंत क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो इसी से आपको क्या होगा, तो आपके पास सिंगल स्नाइपर है तो रिलोड नहीं मारेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप दो स्नाइपर कोई भी यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़ करते हैं विदाउट रिलोडिंग, तो ये देख सकते हो। आपको सबसे पहले पहले गन का शॉट मारा, फायर किया, तुरंत दूसरे गन पे क्लिक कर देना है। तो बस यही दो स्टेप आपको इतनी स्पीड में तेज़ करना है फ्रेंड्स, यानी कि पहले गन का शॉट मारा, फायर किया, तुरंत दूसरे गन पे क्लिक करके फिर से फायर, यानी कि गन पे क्लिक फायर, दूसरे गन पे क्लिक फायर, बस ये दो स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड्स, और ये बहुत फास्ट तरीके से करना है। तो इसकी आपको थोड़ी एक दो दिन प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स, बस इतना ही है, आप भी अच्छी तरीके से चला सकोगे फ्रेंड्स। तो बस वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।